हाँ, क्या मस्त वाला मसाज मिल रहा है। ओ हो, वाह। तो गाइस आज बनी है कुछ ज़्यादा ही हेल्दी लग रहा है। ये स्प्राउट्स है विथ ब्रेड एंड चाय। मम्मी ने ऑलरेडी बना के रखा था 2 दिन से, तो इसके जो ये अंकुर निकलते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है और प्रोटीन रिच होता है जैसे मैंने बताया था। करके आया हूँ अभी ब्रेकफास्ट और निकला हूँ बाहर क्योंकि कुछ सामान लाने थे जो कि पेंडिंग था। मतलब यूजली मैं क्या करता हूँ कि स्टॉकअप करके रख देता हूँ 1 वीक 1.5 वीक के लिए, बट वही है कि कुछ कुछ चीज़ें पेरिशेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन हो गया, फिश हो गई, ये चीज़ें बहुत जल्दी पेरिश कर जाते हैं इवन दो यू हैव फ्रिज, और बहुत पुरानी नहीं खानी चाहिए। भीड़ रास्ते पर काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है ये देखिए, और दिस इज़ दी फिश मार्केट जहाँ से हम लोग यूजली लेते हैं। सो मैं जा रहा हूँ फिश मार्केट ज़रा सा। सो गाइस मैं गया था बाहर और आ गया हूँ अभी जस्ट वापस। मस्त वाली हवा चल रही है, दिख रहा होगा आपको पर्दे से। एनीवेज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आई होप आप लोग सेफ है, सुरक्षित है और अपने घर पर ही हैं। मैं गया था बाहर कुछ काम से क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से जाना पड़ता है, बट आप भी अननेसेसरीली मत जाइए। ये मैं ये कन्वे नहीं करना चाहता कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो आप भी घर से बाहर जाए, बट एनीवेज आई थिंक आप समझ गए। बट एनीवेज शुरू करते हैं आज का दिन। अभी बज रहे हैं 12:30। थोड़ा सा ऑफिस का काम था, बीच में मैं फंस गया था ऑफिस के काम में और कॉल्स में, और उसके बाद अभी शुरू कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग। मस्त सा क्लाइमेट हो रहा है। पहली बार खा रहा हूँ इतना मीठा ये वाला गुआवा। पेरू कहते हैं ना यहाँ पे, पेरू, अमरुद। सॉरी अमरुद। सो पहली बार एक्चुअली मैं खा रहा हूँ इतना मीठा अमरुद। मैंने मतलब जितने भी खाए थोड़ा सा अजीब सा थोड़ा सा टेस्ट टेस्ट होता है अमरुद का, अच्छा लगता है। अमरुद से मुझे याद आया कि वो अमरुद वाला आइसक्रीम, वो गुआवा आइसक्रीम ही है ना वो। अरे क्या अमेजिंग आइसक्रीम मिलता है यहाँ पे, अप्सरा आइसक्रीम्स। यार कब वहाँ पे खाने मिलेगा पता नहीं। इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचुरल से भी अच्छा, नेचुरल से अच्छा है ना उसका आइसक्रीम, लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे। गुआवा आइसक्रीम, गुआवा वाला बहुत अमेजिंग है, बहुत लिटरली। और उसके ऊपर गुआवा आइसक्रीम तो वो देते ही है, अप्सरा आइसक्रीम्स करके यहाँ पे उसका चेन है पुणे में। और उसके ऊपर से वो मसाला होता है, मतलब प्रॉपर जो नमकीन वाला मसाला होता है, और जब आप मुँह पे ऐसे डालोगे तो ऑब्वियसली पूरा एकदम गुआवा का टेस्ट आता है, और वो जो गुआवा के पीसेस है वो भी मुँह में आते हैं। क्या लाजवाब है, वो याद आ गया मुझे वो गुआवा खा के। थैंक यू थैंक यू। सब ठीक है, घर पे सब बढ़िया? हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। लड़की का डॉटर का हो गया, ग्रेजुएट हो गया। हो गया? अरे 75% चलो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इधर है ना, पूना का है। अच्छा ठीक है, अभी चलो बढ़िया बढ़िया, जब खुलेगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन बताना। हाँ है ना, गेट के ऊपर अंकल से बात कर रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये सुन के कि उनकी बेटी का ग्रेजुएशन हो गया अभी 70% में। तो ऐसे खबर सुन के एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे उन्होंने कहा कि उनका ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छा, तो ऑब्वियसली उनका स्टेटस नहीं है एंड स्टिल दे मैनेज्ड। तो जा रहा हूँ ऊपर, फिर आपको दिखाता हूँ क्या है पार्सल में। थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करेंगे तो मज़ा भी आएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये सारे पत्ते कोशिश करता है खाने की। ओ भाई साहब ये देखो, डिश टीवी का जो वो डिश है वो गिर के पड़ा है। वो माय गॉड, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हवा चल रही है। ये किसने खोला? अरे यार, जो मैं सोचता था और मैं सोचता हूँ, मैं बहुत फ़र्क अभी पड़ गया है जब से मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की है। जो मेरा अगर आप पहला व्लॉग देख लोगे तो मुझे खुद ही अभी हंसी आती है कंपेयर टू अभी जिस स्टेट पे मैं हूँ, स्टेटस पे मैं हूँ। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ है बट इम्प्रूव हुआ है एटलीस्ट। सो पहले मैं सोचता था कि किस तरह की बातें एक्चुअली में करनी चाहिए, मतलब इतनी बातें आती कहाँ से है लोगों की, बट एक्चुअली में
जब आप ट्रूली चीज़ों को कहते हो, कैमरे के सामने कहते हो, किसी के साथ भी कहते हो, और बेसिकली अगर देखो तो मैं और ज़्यादा अब खुल चुका हूँ, और ज़्यादा मैं बेहतर हो चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मैं अब ज़्यादा चीज़ें बोल पाता हूँ। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो मैं डायरेक्टली कैमरे में बोल देता हूँ, मम्मी बाद में पूछती है कि भाई ये भी हुआ था कि नहीं, तो घर पे बोलने से पहले आपको पहले बोल देता हूँ। तो ऐसे भी सिचुएशंस आई हैं, आ रही हैं इनफैक्ट। सो भाई मैं सोचता हूँ कि अब मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, और फील गुड फैक्टर जो होती है वो तो एकदम टॉप नॉच है। मतलब रोज़ मन करता है कि आपसे बातें करूँ, आपसे फीडबैक लूँ कि भाई कैसा चल रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं, अच्छा लग रहा है तो भी हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, जो भी जैसा भी लग रहा है। सो आपसे कनेक्ट होने के बाद अब 100-200 लोग जो भी देख रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट ये एक अच्छा फीलिंग, गुड फील फैक्टर आ गया है, और एक कॉन्फिडेंस भी आ गया है, और एक कनेक्शन बन गया है ऐसा लग रहा है। और शायद मैं इसको भी कंटिन्यू करूँगा। ऑब्वियसली कभी कभी लो फील करता हूँ, तब मैं इस कैमरे के सामने आके बस बोलते रहता हूँ, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग रियली अमेजिंग एंड आई एम ट्रूली लविंग इट। थैंक्स अ लॉट। कर रहे हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि क्या मंगवाया है। किसने मंगवाया है? तुमने। मैंने कर रही अनबॉक्सिंग। सो ये है, ठीक है, अच्छा, दिस इज द ऑनियन। तो ऑर्डर किया है ये, तो मैंने किया है, तो फिर और क्या? मुझे लगा किसी और ने भी भेजा है, अब इतने सारे गिफ्ट्स भेज रहे लोग। दिस द ऑनियन हेयर ऑयल, और ये कौन सा? ये क्या, ऑनियन शैम्पू? मुझसे पूछ लिया होता, मुझे एक सीरम मंगवाना था, मैं सीरम मंगवा लेती। सो ये है ऑनियन हेयर ऑयल, अब इसको अपन यूज करेंगे। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये तो मुझे ऑफर में मिल रहा था तो मैंने मंगवा लिया 1+1, बट अब यूज़ करेंगे इसको आज, थोड़ा सा आज चंपी करेंगे रात में, इसको रात में लगाना पड़ता है जितना मुझे पता है। ओह माय गॉड, इसका शैम्पू लीक हुआ है। सो ये प्रोडक्ट आज, ये देखो इसका शैम्पू लीक हुआ, ये अच्छे से पैक करके नहीं दिया इन लोगों ने। तो मम्मा अर्थ, अगर या फिर जब भी आप देखोगे तो अलग से अच्छा से एक शैम्पू भेज देना, क्योंकि यहाँ पे लीक हो गया है शैम्पू। सो आज रात मैं इसको लगा के ट्राई करूँगा, एक चंपी करूँगा ये करके देगी, और फिर अलग से देखते हैं कि क्या रिव्यू रहता है। वैसे मेरे बाल बहुत पतले हैं पहले से ही, और यहाँ से तो बाल जा भी रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मंगवा लेता हूँ और एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। दवाई से तो बेटर है कि ये खा लो, ये लगा लो। अब इसको चंपी करेंगे, ये करके देगी चंपी, तो ये कर रही है चंपी, देखते हैं मामा अर्थ क्या कमाल करता है। अर्थ जो है, जो खाली हो गया अर्थ, उसको भर पाता है कि नहीं, देखते हैं, है ना। टकले पे काम करना जरूरी है, पीछे हो गया है टकला, अब देखते हैं कल सुबह करेंगे शैम्पू। ये हो गया अपना चंपी। हा हा हा, क्या मस्त वाला मसाज मिल रहा है। ओ हो हो, वाह, ओ हो हो, भयंकर सुपर मसाज दे रही, सुपर मसाज। सो गाइस, मैं लेता हूँ मसाज, करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। और अगर आपको कुछ जानना हो इसका रिव्यू, ऑब्वियसली बाद में मैं दूंगा जब बाल उग जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन तो ऑब्वियसली इसको यूज़ करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 दिन, उसके बाद पता चलेगा कि कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं। बट एनीवेज, अब करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं। थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो सो फार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे वेल।